गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू वाई फाई स्टडी इज़ द पार्ट फोर अनअकैडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी के, मैं आदि गौतम। कैसे हो भाई सभी लोग? देखो जरा एक बार आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है? बिल्कुल सही है वैसे। और बाकी उसके अलावा जल्दी से क्या करेंगे आप लोग, सेशन को करेंगे शेयर। जल्दी से सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फिर हम लोग क्लास को जस्ट स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दो बेटा, ठीक है? सब सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और कौन कौन लोग हैं भाई क्लास में? अमित शर्मा, जय श्री राम, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं। चेतन साहू, नेमोरट, जल्दी से बेटा एक बार जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग सेशन को शेयर करेंगे, जल्दी से करेंगे, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज 6 PM वाली क्लास भी रहेगी अनअकैडमी पर, कल भी थी, कल उसमें मैंने रिट कराई थी। बाकी आज ज्योग्राफी होगी, जैसे हम लोग ज्योग्राफी करते आ रहे हैं। ज्योग्राफी की 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, तीसरी क्लास अब है, ठीक है ना? हाँ, तो तीसरी क्लास जो होगी उसको आप आज ज्वाइन करोगे। और आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर हमेशा जुड़ने के लिए उसमें एक पूरा नाम फॉलो करना है बेटा। जैसे कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अनादि गौतम करते हैं। एक्चुअली मेरी 2 प्रोफाइल हैं उसमें, आपको करना है अनादि कुमार गौतम वाली, ये पूरा नाम एक बनी हुई है उसमें अनादि गौतम के नाम से, तो आपको कंप्लीट वाली फॉलो करनी है, तब अब मेरी जो क्लासेस हैं वो आपको मिल पाएंगी, ठीक है? हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट। उससे पहले ये हमारा बैंक एग्ज़ाम के लिए वाईफाई स्टडी बैंक एग्ज़ाम, वाईफाई स्टडी एसएससी एग्ज़ाम, यूजीसी नेट और सीआईएसआर नेट, ये सारे के सारे आपको हमारे चैनल हैं जो इन कोर्सेज़ के लिए स्पेशल मिलेंगे। 7 मिनट ट्रिक वाला हो गया, लाइव टेस्ट पर मैं आपको 11 AM डेली मिलता हूँ मंडे टू फ्राइडे। कल 1:30 PM पर क्लास रहेगी, कल हमारी क्लास 1:30 PM पर रहेगी। और ये डिफेंस एग्ज़ाम वाली क्लास भाई आपकी रहती ही रहती है। 9 to 12 तक की क्लासेस के लिए आप मेरा कोड यूज़ कराइए। और मेरा 2 June से स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, 2 June से 7 to 8 PM पर अनअकैडमी पर, ठीक है? अनअकैडमी पर बैच स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कीजिए उसको, ये कोड यूज़ करना है, ठीक है? चलिए आज का हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, देखो भाई क्या कहता है जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दो बेटा सारे लोग। अनअकैडमी में नेट बहुत खर्च होती है, लेकिन अनअकैडमी में किसी टाइप की बफरिंग नहीं होती। भाई अब इसमें नेट खर्च होती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ तो यूट्यूब पर ज़्यादा होती है, उसमें कम होती है। अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है चक्कर। तो देखिए भाई, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इनमें से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फरोशा तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, किसने नहीं दिया था? यू आर प्रेजेंट, बहुत बढ़िया। मैकेनिकल जी, आपकी फ़ोटो गायब कर देना प्लीज़, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट मेरे साथ में ले लो फोटो के साथ में, है ना? वैसे तो खैर PDF आपको मिली जाती है इसकी सबकी। सैटरडे जो क्लास है वो हम 1:30 पर रखेंगे बेटा, 1:30 PM पर, ठीक है ना? सैटरडे वाली जो क्लास होगी। चलिए, तो इसका सही आंसर होता है भाई अलाउद्दीन खिलजी। कौन नहीं था अलाउद्दीन खिलजी? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो रखा था फाउंडेशन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या रखा था इसका, दिल्ली में है, फाउंडेशन रखा, स्थापना रखी। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसको कम्प्लीट किया था, इल्तुतमिश ने क्या किया था, कम्प्लीटेड। और फरोशा तुगलक ने क्या किया था, रिपेयर किया था, ठीक है ना, रिपेयर्ड किया था। किसके द्वारा किया गया, फरोशा तुगलक के द्वारा। किसके नाम पर है ये आता है आपका, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जो कुतुब मीनार है वो किसके नाम पर है, तो इन द मेमोरी बोल दो, रिस्पेक्ट बोल दो, ऑनर बोल दो, कुछ भी कर दो, ऑफ एक सूफी हुए हैं जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार के पास में ही उनकी दरगाह बनी हुई है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट है, आमतौर पर क्रिकेट के जो बल्ले होते हैं उसको बनाने के लिए कौन सी लकड़ी को यूज़ करते हैं हम लोग? PDF बेटा इसी पे मिल जाएगा, और एक आपको PDF वहाँ पर भी मिल जाएगा। क्या करें बेटा, हो सकता है यूज़ होता हो, मुझे भी नहीं पता भाई, मेरी भी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। YouTube से जो क्लास हटी है, मेरे को कहीं ना कहीं तो वो क्लास लेनी पड़ेगी, तो मैं दूसरी जगह वो क्लास ले रहा हूँ, है ना? हाँ, 5B और 4th मंजिल का रिपेयर किया था। तो जो आम तौर पर क्या है भाई, क्रिकेट के बल्ले के लिए यूजुअली हम लोग जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, कौन सी लकड़ी है, ओक, टीक, विलो या वॉलनट? तो ये होती है भाई विलो। क्या होती है? विलो होती है बेटा, विलो। PDF आपका वाईफाई स्टडी पर भी मिल जाता है, इसी वाले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो, ठीक है? और उसके अलावा मेरा टेलीग्राम लिंक आपको बाद में मिल जाएगा क्लास में, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो विलो, ठीक है।
उसके बाद आता है कि किस एशियाई देश को पहले गोल्डन पैगोडा की भूमि के रूप में जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था गोल्डन पैगोडा, विच एशियन कंट्री इज ऑल्सो इज नी वॉज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। तो ये आपका होता था कौन सा, म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा करते थे। ठीक है, क्या कहते थे, बर्मा भी कहते थे, और सुवर्ण भूमि भी यही होता था। क्या होता था ये, सुवर्ण, सुवर्ण भूमि, उस सुवर्ण भूमि ये भी इसी को कहा करते थे। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका, भगत सिंह के साथ किस क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में, ये भी कहां पर, दिल्ली में जो आज की पार्लियामेंट है, के गलियारे में बम फेंका था। विच रेवोल्यूशनरी अलोंग विद भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब ऑन टू द कॉरिडोर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। जल्दी से बता दो, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, कौन थे, और जल्दी से क्लास को एक बार शेयर करो। ठीक है, क्लास को एक बार जल्दी से क्या करोगे, शेयर कर दो भाई, क्लास को जल्दी से एक बार कर दो शेयर। वेरी गुड, बटुकेश्वर दत्त भाई। भगत सिंह जी को तो फांसी लग गई थी, आपको पता ही है, इनको तो फांसी लगा दी गई थी लाहौर मर्डर केस में, जिसमें सैंडर्स मारा था, और ये बटुकेश्वर दत्त जो है इनको हो गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद की सजा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपका, मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन अभी 16 मई 2020 को होगा, उन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला था। मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन डाइड ऑन 16th of May 2020, फॉर विच वॉर ही गॉट द महावीर चक्र। जल्दी जल्दी बताइए भाई, भारत चीन युद्ध 1962, पाकिस्तान के साथ में हुआ 65, या भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, या कारगिल, जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है उसमें कारगिल आपका दे रखा है, कारगिल 1999। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है, खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी लगी थी किंग्सफोर्ड हत्याकांड वाले में। ठीक है, ये आपका होता है ये वाला, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, वेन इज एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये आपको पता ही है, राजीव गांधी जी हत्याकांड जो हुआ था उसी के उसमें याद में मनाया जाता है, राजीव गांधी जी के में, है ना, उनका जो डेथ हुआ था, अब हत्या कह दो मर्डर कह दो, 1991 में, डेट आपकी थी 21 मई, क्या थी, 21 मई। नेक्स्ट है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन से शहर में है, नियर विच सिटी द काकरा पार न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड, कहाँ पर भाई, कोटा राजस्थान, करवार कर्नाटका, सूरत गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, जल्दी जल्दी बताओ, 20 नहीं बेटा 21 मई हो तो बहुत आता है एग्जाम में, कैसे भूल गए उसको। तो काकरा पार कहाँ पर है भाई, 6 PM पर अनअकैडमी वाली क्लास रहेगी आज, ठीक है ना, 6 PM पर अनअकैडमी क्लास रहेगी। अमन यादव ने सी आंसर कर दिया, सूरत गुजरात, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाई, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड द वर्क एजेंसी को भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितनी आर्थिक मदद की है, इंडिया ने पैलेस्टीन रिफ्यूजी के लिए कितना हेल्प दिया है, इसमें देखा है आपका $10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है, 30 लाख 3 मिलियन होता है, 20 लाख $2 मिलियन, या 15 लाख $1.5 मिलियन। जल्दी जल्दी बताइए, बाकी सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे को क्लास हाँ इसका आंसर भी कर दीजिए भाई, इसका आंसर भी आपका सी है, $20 लाख या $2 मिलियन, एक ही बात है। नेक्स्ट है, किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेलरम्पल अवार्ड से नवाजा गया, ये अभी 20 मई को अवार्ड मिला है इनको, ये वाला अवार्ड, सुनील लांबा, करमवीर सिंह, विनय वधवार, या विमल वर्मा, अभी ये 20 मई को 20th मई को, जय हिंद भाई, जय हिंद दुर्गा जी, जय हिंद। अब जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपका विनय, क्या नाम है, विनय वधवार जी हैं भाई, विनय वधवार। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी, हु इज द फर्स्ट वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर, कौन है इंडिया की पहली, कौन है, कोनेरू हम्पी, विजयलक्ष्मी एस, या रोहिणी खाडिलकर, या द्रोणावल्ली हरिका, ये कौन है भाई,
जल्दी जल्दी बताइए, ये है बेटा एस विजयलक्ष्मी। कौन है? एस विजयलक्ष्मी। आर्मी के लिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसा आया था, आज दो क्वेश्चन इस तरह के आ गए। नेक्स्ट एस के बाद में बाकी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन खैर आ सकते हैं आर्मी में। एक बुक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स विच लॉन्च इट्स ई बुक ऑन 86th बर्थडे। एक पुस्तक है होप ऑन माई एडवेंचर बोट ट्रेन एंड प्लेन के लेखक कौन है, जो उन्होंने 86वें जन्मदिन पर अपनी ई बुक लॉन्च की है। माइकल मैथ्यू, रस्किन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड के भाई नहीं है ये? अच्छा, आंसर तक गया था। ओके, योगेंद्र यादव जी या चेतन भगत जी, जल्दी से बता दीजिए। हाँ देखो भाई, इसको ऐसे ही आउट कर सकते हो अब, ये दो तो हो नहीं सकते। बाद एक बार सब लोग रिफ्रेश करो, आप सब लोग भी एक बार क्या करोगे, रिफ्रेश कर लो, क्योंकि नॉट ओके, एक बार रिफ्रेश करके देखो, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत अभी नहीं दिख रही है। अभी ठीक है? चलिए ठीक है। तो वो ठीक उसी टाइम हो गया था, वो पता नहीं कैसे आप लोगों को तो लेट से पहुंचता है, यही बस बफरिंग प्रॉब्लम है यूट्यूब की। चलो, तो हमने बात की, लॉर्ड मयो ने फर्स्ट टाइम कराई थी 1872 में, और फर्स्ट रेगुलर वाली जो थी, नियमित वाली जो थी, वो आपकी किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने कराई थी। किसने कराई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन थे। तब से लेके आज तक हर 10 साल के बाद में होती है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होती है, ठीक है। लास्ट हुई थी अभी 2011 में, अब होगी 2021 में, जो थोड़ी सी लेट आ सकती है इस बार कोरोना के चक्कर में। जनवरी 1949 को जनरल के एम कनप्पा, जनवरी कितनी, 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। इसी आयोजन, मतलब जिस डेट को ये बने थे, कि याद में 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस, बताइए। ऑन 15 जनवरी 1949 जनरल के एम करियप्पा बिकेम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। इन मेमोरी ऑफ दिस इवेंट विच नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th जनवरी, जल्दी से बता दो। हाँ, रस्किन बॉन्ड उत्तराखंड में रहते हैं, बिल्कुल योगी रावत, आप शायद वहीं से हैं। तो ये होता है भाई आर्मी डे, है ना। आर्मी डे भी ध्यान रखना, 4 दिसंबर को आपका होता है नेवी डे, और 8 अक्टूबर को ध्यान में रख लेना बेटा, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर को। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसके बाद में है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है, जल्दी जल्दी बता दो, किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है, जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। जानवी फुकन, यही है, जानवी फुकन जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा आराम कर लिया करो आप। अच्छा नेक्स्ट आता है भाई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये हो गए 6 प्लस 2 स्टेट और हैं नॉर्थ ईस्ट के, 2 स्टेट कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट के। इन 8 राज्यों से होके जाती है कर्क रेखा, ये जो ग्लोब है, ये इस पे ग्लोब पे, जैसे ये इक्वेटर होता है, यहाँ से 23.5 नॉर्थ ये निकलती है, कौन सी, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन एडिशन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जल्दी से बता दो कौन सा है। आसाम, मेघालय, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा, मिजोरम, करेक्ट आंसर है बेटा डी वाला, त्रिपुरा मिजोरम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की। इंडिया एंड विच कंट्री डिस्कस्ड जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड बिग डाटा ऑन 25 मई, तो कौन है, इसराइल है बेटा इसमें, कौन है, हाँ बिल्कुल सही है, इसराइल है। सिंघानिया, दर्शिल, अमित सैनी, मंजू यादव हैं या मंजू भाई जो भी हैं, तमन्ना खान। चलो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट, नैनो एंड सॉफ्ट मैटर विज्ञान केंद्र CENS कहाँ स्थित है, वेयर इज द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस लोकेटेड, कहाँ पर है भाई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता,
मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, वैसे तो सब सही चल रहा है, बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए फिर भी। बिल्कुल सही है भाई, कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है बेटा? टेक्नोलॉजी की चीज़ें ऐसे भी बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हाँ तो कहाँ पर है भाई ये? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट, हैदराबाद नहीं, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की वकालत की? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एडवोकेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल, जिसके चेयरमैन पीएम होते हैं अंडर आर्टिकल 263। तो भाई वही कमीशन था जिसने कहा था कि सेंटर एंड स्टेट के लिए जो रिलेशन है उनको फ्रूटफुल रखना बहुत ज़रूरी है, नाम है सरकारिया कमीशन। क्वेश्चन आता है कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, केंद्र और राज्यों के संबंध से रिलेटेड है। हाँ सिलिकॉन वैली बोलते हैं। इथोपिया के द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? किसके द्वारा? इथोपिया के द्वारा, जिसने नदी के अनुप्रवाह में मतलब फ्लो में स्थित देशों यथा मिस्र और इथोपिया के मध्य तनाव जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। ऑन विच रिवर एज अ मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बींग कंस्ट्रक्टेड बाई इथोपिया विच हैज इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर वॉर बिटवीन कंट्री लोकेटेड इन द रिवर डाउन स्ट्रीम इजिप्ट एंड इथोपिया। तो कौन है भाई? नील मतलब नाइल, अवाश, लुंगवा, मानिया। तो पहला वाला ही ऑप्शन है इसका, नाइल रिवर है बेटा, बिल्कुल सही है, नील नदी है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? सफल सत्याग्रह पहला ही वाला हो गया था, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। विच अमोंग वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? देखो भाई, जो महात्मा गांधी हैं वो साउथ अफ्रीका गए तो थे 1893 में, लगभग 21 साल के बाद वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। इस दिन हम लोग NRI डे सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। तो 2 साल तक खास नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद में चंपारण बिहार में एक मूवमेंट चलाया था और ये इंडिगो फार्मर्स को लेके था। इंडिगो मतलब नील की खेती करने वाले किसान, ठीक है। इसमें पहला चंपारण हो गया 1917 का ये, और उसके बाद इसके सिक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बारदोली में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डांडी मार्च आपका 1930 वाला है, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था नॉन कॉपरेशन के बाद में 5 फरवरी को हुआ है, यहाँ पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि के टुकड़े से संबंधित है जो पूरी तरह पानी से घिरा हुआ है? है ना, अगर पूरी तरह पानी है तो आइलैंड है, अगर एक आपका है कि एक तरफ से आपका अर्थ है और बाकी 3 तरफ से पानी है तो वो पेनिनसुला हो जाता है, 3 तरफ से पानी वाला पेनिनसुला हो गया, ठीक है ना। गल्फ और स्टेट है जो आइलैंड को या 2 देशों को कनेक्ट करता है, तो ये वाला होना चाहिए आइलैंड, पूरी तरीके से अगर बोलता है तो आइलैंड है। 1965 में भारत के पहले मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना किस बंदरगाह पर हुई थी? 1965 में। विच पोर्ट वॉज द इंडियाज फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन एस्टेब्लिश? फ्री ट्रेड जोन ट्रेड कर सकते हैं आप लोग कांडला गुजरात, कोची केरला, फाल्टा वेस्ट बंगाल में या चेन्नई तमिलनाडु में? इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट। पेनिनसुला 3 साइड से अगर घिरा होता है तो वो कहते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो क्या है इसका? कांडला इसका करेक्ट आंसर होता है, कांडला। नेक्स्ट है, काल्पनिक जासूस एक है फेलुदा का निर्माण किसने किया? आर के नारायण, सत्यजीत रे, मुल्क राज आनंद या V.S. नायपाल? जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। चंपारण के, मेरी क्लास कब से आएगी अनअकैडमी पर बेटा? 2 जून से आ रही है अनअकैडमी पर, 2 जून से आ रही है नीरज, और टाइमिंग वही अपनी 7 से 8, अपडेट हो चुकी है वो उसमें, ठीक है ना, शो हो चुकी है क्लास, नीरज शो हो चुकी है। बाकी 6 से 7 तो चल ही रही है, ज्योग्राफी करा रहा हूँ उसमें, 2 क्लास हो गई हैं। हाँ भाई, तो ये है आपका सत्यजीत रे, वो स्पेशल में। हाँ हाँ बिल्कुल, जीके आता है, अब डिपेंड करता है कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों को मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हाउ मैनी कैंडिडेट टू एंटर ह्यूमन ट्रायल? 10, 7, 8, 5, जल्दी से बताइए कितना? 10, 7, 8 और 5, तो ये भाई 8 है, कितना है? 8 है, 8 इज द करेक्ट आंसर।
संसद के 108 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को हटाने का पहला प्रस्ताव किस वर्ष में लाया गया था? मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक थे रामास्वामी जी, कौन थे? रामास्वामी, है ना, रामास्वामी, उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट को हटाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब को हटाते हैं, तो उन्हीं के अगेंस्ट ऐसे ही प्रेसिडेंट साहब को जैसे हटाते हैं, वैसे ही आपका रामास्वामी साहब को हटाने के लिए आर्टिकल 124 के तहत क्या लगाया गया था, एक इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस लाया गया था। कब? 1991 बस। बाकी देखो भाई, मेरी अब अनअकैडमी पर जो क्लास आ रही है वो आपकी 2 जून से आ रही है, ठीक है, और मेरी जो वैसे आप क्लास लोगे, मान लो एसएससी आप गोल सेलेक्ट करते हो, आप डिफेंस की तैयारी भी करते हो तो भी एसएससी के थ्रू आपको क्लास मिल जाएगी, रेलवे, ठीक, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम का, स्टेट सर्विसेज के लिए, सब के लिए, और इसी में आपको सारे सब्जेक्ट फ्री मिल जाएंगे। जैसे आपने अगर जीएस ले लिया तो जीएस के साथ में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सब ऑल सब्जेक्ट। बस करना क्या होगा, आपको कोड टाइप करना है, ठीक है ना, कोड जो आपको टाइप करना है वो करना है ANADI10, ये कोड टाइप करेंगे, ठीक है बेटा। ईश्वर बेटा देखो, अभी तो डिफेंस की यही क्लास चल रही है मेरी तो, हाँ हाँ, आर्मी क्लर्क के लिए हो जाएगा राजपूत अनिमेश, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, 10% डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे आपने मान लो कोर्स ले लिया एक 1 ईयर वाला, या किसी ने 6 मंथ का लिया, कोई भी कोर्स लेते हो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट कोड लगाने पर, ठीक है, ये कोड पे इतना डिस्काउंट मिलता है। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, कोई दिक्कत परेशानी होती है यूट्यूब पे नहीं, ये तो जो 7 से 8 मैं आपको बता रहा हूँ अनअकैडमी पर आ रही है, और 6 से 7 आपकी ये अनअकैडमी पर चल रही है स्पेशल सेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू, स्पेशल सेशन फ्री है ये, ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।